14 मार्च से अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारा मानदेय वेतन मात्र 2000 रुपए है, जो आज की महंगाई के समय में काफ़ी कम है, जिससे हमें अपना जीवन यापन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, जिसको 2000 से बढ़ाकर 10000 किया जाए एवं आशा उषा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, जैसी कई अन्य मांगे आशा उषा कार्यकर्ताओं ने की है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हैं? हम लोग 14 तारीख से इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमें 10000 रुपया दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए। अभी आपकी सैलरी कितनी है? 2000 रुपए है। 2000 में हम लोगों का कुछ भी नहीं होता, तो आप लोगों की मांग है कि आपकी सैलरी बढ़ाकर 10000 कर दी जाए। 10000 की जाए कम से कम। कब से बैठी हैं आप यहाँ धरने पर? 14 तारीख से बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। अच्छा, आप कौन सी पद पे हैं? आशा कार्यकर्ता हैं आप लोग। अच्छा, इसके बारे में आपने अभी किसी को जानकारी दी है? आगे आपने किसी अधिकारी को हम लोग आपने सैलरी बढ़ाने के लिए आपने कहीं आवेदन दिया है? हमने अभी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रानी अहिरवार जी को बुलाया है। अच्छा, कलेक्टर के नाम आपने ये ज्ञापन दिया है ना, जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार जी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।